ज्योतिष आचार्य जी, अक्षय तृतीया 10 मई को है। उस दिन सोना चांदी खरीदने का विधान है और इसके साथ दान का भी काफ़ी महत्व रहता है, तो राशि के अनुसार लोगों को क्या दान करना चाहिए उस दिन? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। अक्षय तृतीया यानी उस दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था, उसी दिन त्रेता युग उसी दिन से प्रारंभ हुआ था, तो अक्षय तृतीया जो है यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। उस दिन अक्षय तृतीया के दिन वो भी आप पुण्य करेंगे, वह आपका पुण्य अक्षय रहेगा, यानी उसका क्षय कभी नहीं होगा, वह पुण्य आपका समाप्त नहीं होगा। जब इस लोक को त्याग करके आप स्वर्ग लोक को जाएंगे, देव लोक को जाएंगे, तो वह पुण्य का फल आपको प्राप्त होगा। तो उस दिन करना क्या है, उस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना है और अपने राशि के हिसाब से, जो आपकी राशि है, यह सारा विश्व जो है वह 12 राशियों में ही परिणत है, तो 12 राशि वाले अपनी अपनी राशि के अनुसार यदि दान करते हैं तो आपको ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। जैसे मेष राशि वाले धनु और मीन, ये 3 राशि वाले हरी वस्तु का दान करें, भगवान को हरी वस्तु अर्पण करें, सुगंधित द्रव्य दान करें और भगवान को सुगंधित द्रव्य अर्पित करें। हो सके तो उस दिन हरा चारा आप गाय को खिलाएं, तो आपको विशेष लाभ होने वाला है। अब वृषभ और कुंभ, ये 2 राशि वाले पीली वस्तु, पीला कपड़ा हो, पीला केला हो या दाल हो, गेहूं हो, यह आप दान करेंगे तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वाले लाल वस्त्र दान करें या गुड़ और जल, मिट्टी का घड़ा, गुड़, जल और लाल वस्त्र आप दान करें, आपको फायदा होगा। कर्क राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले काला सामान दान करें, काला वस्तु, काला कपड़ा, तिल या उड़द, ये दान करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। सिंह राशि वाले और मकर राशि वाले दूध, चीनी, अरवा चावल आप दान भी करें भगवान को, जिससे खीर बनता है, ऐसे वस्तु को आप दान कर सकते हैं, भगवान को अर्पण कर सकते हैं। कन्या राशि वाले लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, आप चना दाल, गुड़ और लाल वस्त्र आप दान करें। तुला राशि वाले पीला वस्त्र, आप पीला वस्तु का दान करें। ये सभी अपनी राशि के अनुसार यदि दान करते हैं तो आपकी राशि में जो भी ग्रह आपके लिए अनुकूल चल रहा है वह प्रतिकूल हो जाएगा। अपने ग्रहों को प्रतिकूल करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन आप राशि के हिसाब से दान करें, आपको लाभ मिलेगा।